एक करके सवाल मैं आपके सामने रखता जाऊंगा और आप लोगों को जवाब देने। सबसे पहला सवाल बीएसए टाइप का वन मार्क का क्वेश्चन है, पहला सवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रंट ऑफ यू, पहले सवाल देखिए, सवाल किसमें पूछा गया, ऑल इंडिया 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। सवाल क्या है, व्हाट टाइप ऑफ इंटरेक्शन होल्ड द मॉलिक्यूल टुगेदर इन पॉलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगर कोई पॉलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। इतना आसान सवाल, वन मार्क का, सिर्फ आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम लिखना था कि अगर कोई पॉलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली, अगर वो पॉलर मॉलिक्यूल है तो क्या आंसर दोगे। बहुत बढ़िया, तो तुम्हें यहां पर देख लो ऑल इंडिया में आया हुआ है सवाल, आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डाइपोल डाइपोल, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपको आंसर कैसे लिखना है, पोलर मॉलिक्यूल इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। एग्जांपल भी लिख के आओगे जैसे कि CO2, जैसे कि सॉलिड अमोनिया और H2O, ठीक है। हम छोटे बच्चे होते थे ना, मतलब आजकल तो बच्चे बहुत ही नाजुक तरीके से पाले जाते हैं, हमारे ऐसे नहीं होते थे हमें तो छितर दे दे के पालते थे हमारे माँ बाप। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, दिल्ली 2015 का क्वेश्चन है, दिल्ली 2015 का सवाल है। सवाल पढ़ो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इन विच द एलिमेंट वाई फॉर्म्स CCP लैटिस, एटम एक्स ऑक्यूपाइड 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। चलो तो मैं आपको बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। देखो इसका आंसर निकालने का तरीका, देखो सबसे पहले तो आप लोग गौर करो कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, कि ये जो वाई है ना बेसिकली वो CCP बनाता है। वाई अगर CCP बनाता है, CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है, और क्यूबिक क्लोज पैकिंग के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है, 4। तो पता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग के लिए जेड यानी रैंक कितनी होती है, 4, मतलब एक यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं। और अगर वाई CCP पैकिंग बना रहा है तो वाई के 4 एटम आप लोगों को एक यूनिट सेल में दिखाई देंगे, तो ये वाई की वैल्यू तो कितनी हो गई, टोटल 4। अब आ जाओ तुम यहां पर लिखा हुआ एक्स, एक्स ऑक्यूपाई कर रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड का भी 1/3। तो सबसे पहले तो अगर Z की वैल्यू 4 है तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे जस्ट डबल 8। अगर Z की वैल्यू 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे 8। अब वो कह रहा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड के 1/3 को वो कवर करता है, तो X की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, X की वैल्यू हो गई 8 का 1/3 यानी कि 8/3। तो अब फॉर्मूला कैसे बनेगा, x की वैल्यू तो आ गई 8/3 जबकि y की वैल्यू कितनी हो गई 4। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो गया, x की वैल्यू तो हो गई 8 और y की वैल्यू कितनी हो गई 12। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4 के पहाड़े से जाएगा, ठीक है, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, ये होगा x2y3। किस किस को समझ में आ गया x2y3, कैसे आंसर आया, जिस जिस को समझ में आ गया x2y3 जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, कम ऑन डूड लिखो यार, मजा नहीं आएगा ऐसे, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन किस किस को समझ में आ गया कि x2y3 आंसर आएगा। लिखते नहीं हो ना तुम लोग, बहुत बहुत पाप लगे, सच बता रहा हूं मैं। सो x2y3 वुड बी द आंसर, x2y3 आंसर मेरे काफी बच्चों ने लिखी दिया था, तो मैं आपको दिखा देता हूं इस तरह से आंसर बनेगा, ये रहा x2y3, इस तरह से निकालना था, मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है बाय द वे। अगला सवाल जो पूछा गया है 2014 के बोर्ड एग्जाम में, सवाल बड़ा आसान था, ये सब लोग लिखेंगे, एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक रेडियस आर एंड एज लेंथ ए, आर और ए के बीच में FCC यूनिट सेल के लिए क्या रिलेशन होता है, दैट इज द क्वेश्चन ओनली। और अच्छी बात क्या होती है, जब आप सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप लिख रहे हो तो थोड़ा सा FCC को बना भी दो। FCC का मतलब क्या होता है, FCC का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर ए की ये स्क्वायर यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल है, तो उसमें FCC में एटम कहाँ कहाँ होते हैं, एक तो मेरे प्यारे बच्चों होते हैं कॉर्नर्स पे, जानते हो कॉर्नर्स पे एटम बना के आओ FCC पैकिंग में, वो खुश हो जाएगा आपका, एग्जामिनर कहेगा वाह बच्चे हो तो ऐसे हो वरना ना ही हो, ऐसा बोलेगा। और फिर उसके बाद क्या करो, सेंटर पे भी बनाओ, ये पहला सेंटर, ऊपर का सेंटर, नीचे का सेंटर, सामने वाले का सेंटर और यहाँ का सेंटर, आगे का सेंटर और पीछे का सेंटर, यह तुम्हारा FCC होता है। इन दैट केस अगर आप यहां पर ए वर्सेस ए एंड आर रिलेशन जानना चाहते हो FCC के लिए, यहां पर क्या होता है, 4R किसके बराबर होता है, √2A के बराबर होता है बेटा, बहुत सिंपल है। ये किसके लिए है, ये FCC पैकिंग के लिए है। अगर कोई आपसे BCC पैकिंग का पूछ ले, ये लिखना नहीं है बट BCC पैकिंग में साफ ही बता रहा हूं क्योंकि याद करना आसान है, 4R यहां किसके बराबर होता है, √3A के बराबर होता है। दोनों में फर्क देख लो, FCC पैकिंग में तो आएगा √2 और BCC पैकिंग में आएगा √3। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, येस और नो, सबको याद हो गया फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज फिनिश्ड, बहुत ही बढ़िया। तो आपको सिर्फ एक मार्क का क्वेश्चन था, रिलेशन लिख के आना था और कुछ नहीं।
सो इस तरह से डायग्राम बना के इस तरह से आप और सोल्व करना चाहो तो और सोल्व कर सकते हो. 4R रूट 2A के बराबर होता है काट जो कटना है, यही आएगा सेम. तो जिसको ये समझ में नहीं आया तो मैंने जो लिखा था वो गलत नहीं है. यहां पर मैंने क्या लिखा था, 4R रूट 2A के बराबर लिखा था. मैं 4R को लिख सकता हूं 2 इंटू 2R, यस. और 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू 2R विच इज इक्वल टू रूट 2R. तो रूट 2 से ये रूट 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली अगर R निकालना चाहो तो a बाई 2 रूट 2 आएगा. ये ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है. समझ में आ गया, सब कान इधर उधर से पकड़ा हुआ है. बहुत बढ़िया, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आंसर करना है, ऑल इंडिया 2012 का सवाल है. विच स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड. माई गॉड क्या क्वेश्चन है. ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जहां पर स्टोइकियोमेट्री, कौन सा स्टोइकियोमेट्रिकल डिफेक्ट है जहां पर डेंसिटी बढ़ती है. तो यहां पर ऑल इंडिया 2012 के सवाल का पूछा गया था. देखो एक नंबर, ऐसे सवालों में एक नंबर बनते हैं. आंसर इज इंटरस्टीशियल डिफेक्ट बनेगा इसका आंसर. मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं, इंटरस्टीशियल में क्या होता है बेसिकली, ये एटम्स में होता है, आयन्स में नहीं. ये डिफेक्ट एटम मॉलिक्यूल्स में होता है, एटम या मॉलिक्यूल जो आयन नहीं होते, उनमें बाहर से फॉरेन एटम्स आते हैं जो इंटरस्टीशियली बैठ जाते हैं जिससे डेंसिटी इंक्रीज होती है. दैट इज द आंसर. तो इंटरस्टीशियल डिफेक्ट कहलाएगा वो. इज दिस क्लियर. बहुत बढ़िया, अब हम चल रहे हैं अगले सवाल पर. बहुत बढ़िया, ताली बजाने का मन कर रहा है. और ये देखो अंकल भी पूरे खुश हैं हमारे, जज साहब. चलिए तो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अब करेंगे हम लोग ऐसे वन टाइप के क्वेश्चन जो 2 मार्क के आते हैं, ठीक है. तो चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ऑल इंडिया 2013 का सवाल है. क्या पूछा गया, कंपाउंड फॉर्म्स एचसीपी स्ट्रक्चर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल्स ऑफ इट, हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स. मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, दिस इज माई फेवरेट क्वेश्चन. अगर आपने कर दिया तो मैं मान जाऊंगा यार आप में दम है. सवाल क्या पूछा गया, कंपाउंड फॉर्म्स एचसीपी स्ट्रक्चर, ओके. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, इसमें कहता है कितने टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स हैं. 0.5 मोल अगर आपने ले लिया तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स बताने कितने होंगे. फिर आपसे कहता है हाउ मेनी दीज आर टेट्राहेड्रल, इनमें से टेट्राहेड्रल वॉइड कितने. 2 मार्क का सवाल है और बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन. आप पढ़ो सवाल क्या लिखा हुआ है, बिना उसके आंसर मत करना. एक कंपाउंड है जो कि एचसीपी पैकिंग बनाता है, इसका मतलब एक यूनिट सेल के अंदर टोटल कितने होंगे, 4 एटम्स होंगे. खैर उससे मतलब नहीं है. सवाल पूछा गया व्हाट है, उससे मतलब है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल्स ऑफ इट. अगर इसका आपने 0.5 मोल्स लिए, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितने होंगे और उसमें से फिर टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे. बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन सवाल. तो मैं आपको बताता हूं, देखो सबसे पहले सवाल पढ़ो. What is the total number of voids in 0.5 moles? 0.5 moles में total number of voids कितने होंगे? क्या कहता है आपसे सवाल, जरा पढ़ो. अब जरा समझना. अच्छा मैंने select कर लिया था, नहीं किया था. अच्छा हाँ select कर लिया था, एक second रुको मैं इसको मिटा देता हूँ. हाँ तो बातें हैं, कहते हैं यहाँ पर HCP packing है and what is the total number of voids in 0.5 moles of it. Okay, हमें मेरी बात ध्यान से सुनना. अगर एक यूनिट सेल में Z की वैल्यू 4 हो, ध्यान से समझना, या N मान लो Z की वैल्यू N हो, तो उसमें टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं. टेट्राहेड्रल वॉइड जस्ट डबल होते हैं, जस्ट डबल होते हैं, ट्वाइस ऑफ N होते हैं. और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं N. अब यहीं से लॉजिक आप पकड़ लोगे तो टोटल वॉइड्स कितने हुए, टोटल वॉइड्स बस यहीं से सारा लॉजिक पकड़ना है और कुछ नहीं. एन और ट्वाइस ऑफ एन प्लस एन कितना होता है, थ्राइस ऑफ एन. ये लो बस यही करना था और कुछ नहीं. अब मैं आपको समझाता हूं, आपको सिर्फ एन की वैल्यू निकालनी है. यहां एन क्या होगा जरा देखो ना, 0.5 मोल दिया हुआ है. क्या मतलब है इसका, आपको पता है कि एक मोल में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 6.023 × 10⁻²³ (2:2) भी लिख सकते हो. तो 0.5 मोल्स में कितने होंगे, 6/2. Yes, आधा ही तो कर रहे हो. ये इतने आया सबको समझ में, यस और नो, कैन यू प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, यस और नो. आ गया सबको समझ में, एक मोल में इतने आइटम होते तो आधे मोल में कितने होंगे, उसका आधा. तो तुम्हारे पास n का वैल्यू आ गया, n का वैल्यू कितना है, 3.023 को क्या वन टू मान लो, 0.12 × 10⁻²³ ये n का वैल्यू है. एक मोल में इतने आइटम होते हैं तो 0.5 मोल में इतने आइटम होंगे. सबको समझ में आ गया,
और आप देखो टोटल जितने एटम हो उसके तीन गुना वॉइड निकलेंगे टोटल वॉइड। देखो जरा ध्यान से, अगर जरा ध्यान से इसको चेक करना, अगर z का वैल्यू n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे ट्वाइस ऑफ n, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे n, तो टोटल वॉइड कितने होंगे थ्राइस ऑफ n। अब आपके पास ये देखो n की वैल्यू कितनी है, आपको समझ में आ गया n की वैल्यू है 3 × 10^23, इसको मात्र आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 × 9, सो 9 × 10^23, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। टोटल वॉइड्स में टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 6 × 10^5, तो आंसर कितना आएगा, सो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे 6 × अप्रॉक्सिमेटली लिख रहा हूं 10^23, और टोटल वॉइड्स कितने होंगे, दैट इज 9 × 10^23, दैट्स हाउ यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो आपको दिखा देता हूं जिस चीज़ को समझ में आ गया, काफी बच्चों ने तो इसका आंसर निकाल ही दिया था, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं, जरा आप समझो। नंबर ऑफ एटम इन 0.5 मोल्स ऑफ HCP, तो क्या करना है, एक मोल में होता है 6.023 × 10^5, में कितने होंगे, निकाल लिया था हमने, सबको समझ में आ गया। अब आप देखो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, जानते हो, तो आंसर आ गया ये। अब नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जस्ट डबल होते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो टोटल इन दोनों को जोड़ना था तो टोटल आ जाता, टेट्रा वॉइड आपने निकाल ही लिया, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, और 2 नंबर पक्के अगर आप ये करके आ गए तो, है कुछ नहीं, बच्चों को डर लगता है बट है कुछ नहीं इसके अंदर। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, दिल्ली 2010 का सवाल है, सवाल क्या पूछा गया, क्रोमियम मेटल क्रिस्टलाइजेस इन अ बॉडी सेंटर्ड लैटिस, ओके BCC, इज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 287 picometer। अब आपसे सवाल क्या पूछता है, कैलकुलेट दी एटॉमिक रेडियाई ऑफ क्रोमियम, इतना आसान सवाल, इतना आसान सवाल, तो अब इसका आंसर कैसे करोगे, मैं डायरेक्टली करके दिखा देता हूं आपको, क्या दिया हुआ जरा आप चेक करो, दिस इज बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड के लिए 4R किसके बराबर होता है, बताया था थोड़ी देर पहले, किसके बराबर होता है, √3a के बराबर होता है। अब आपको निकालना क्या है, एटॉमिक रेडियाई, तो R का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालोगे, √3 × a/4, यस √3 इसकी वैल्यू रख देना, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ये रही 287 पिकोमीटर में आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, तो पिकोमीटर को एज इट इज रख दो, उसको 4 से डिवाइड कर दो, तो रेडियस आपकी 4 आपके किस में आ जाएगी, पिकोमीटर में आ जाएगी। इज दिस क्लियर, दिल्ली 2010 का सवाल है, आगे कैलकुलेशन करनी थी और इसमें 2 मार्क आपके पक्के थे, किस किस को समझ में आ गया ये क्वेश्चन, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, किस किस को लगता है ये तो क्वेश्चन बेहद आसान था, कम ऑन डोर, सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था, जरा देख लो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और कुछ नहीं, आर की वैल्यू इतनी आएगी पिकोमीटर में, ये रही आपके सामने, दैट्स इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर 7, ऑल इंडिया 2014 का सवाल है, क्या पूछा गया है, अरे सवाल तो मैंने दिखाया नहीं आपको, सवाल पूछा गया है, एलिमेंट विद डेंसिटी, डेंसिटी आपको दे रखी है 2.8 g/cm³ फॉर्म्स FCC यूनिट सेल, एज लेंथ दे रखी है आपको 4 × 10^-8 cm, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द एलिमेंट, Na की वैल्यू दे रखी है, सवाल को कैसे सोल्व करोगे, एंड दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन एज वेल। अब इसके लिए मैं बताऊं, सच बता रहा हूं, ले दे के बाद सिंपल है कि आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर आपको डेंसिटी का फॉर्मूला नहीं पता है तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। किस किस को डेंसिटी का फॉर्मूला आता है बताओ, सॉलिड स्टेट में डेंसिटी का फॉर्मूला किस किस को याद है, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन मेरे से जो, हाँ मनन खान, महम खान ने तो लिख ही दिया है, किस किस को आता है डेंसिटी का फॉर्मूला, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, बताऊं कैसे याद करना है, ये वाला, जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुझे कसम आके मिलना यूं ही, एक जा है तुम ही दो बदन, एक गाना नहीं आता मेरे, तेरी हो गए हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। जरा देखो एक बात बताऊं, मैं तुम देखो इसका आंसर कैसे निकालना है, तो देयर इज अ सॉन्ग कॉल्ड जन्म 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 एंड दैट इज वेरी फेमस सॉन्ग, रंग दे तुम है गेरुआ, सुना है तुम लोगों ने, तो मैं उससे आपको डेंसिटी का फॉर्मूला याद करता हूं, जन्म 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 जन्म, कितनी बार गाए तुम जन्म जन्म जन्म, 3 बार, तो एक ही, और किसने गाया था, अरिजीत सिंह ने, तुम्हें फॉर्मूला कौन बताता है, ए स्क्वायर, तो अरिजीत सिंह ने गाया है, ए स्क्वायर फॉर्मूला बता रहा है, तो अरिजीत सिंह का ए और मेरा ए स्क्वायर, ए क्यूब हो गया, क्या बात है, मतलब गजब तरीका है। अब यहां से क्या करना है आपको, जरा देखो आपको निकालना है, कैलकुलेट दी मोलर मास, मोलर मास कैलकुलेट करना है, मोलर मास निकाल लो,
तो आपको डेंसिटी से एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ए क्यूब को मल्टीप्लाई करना है और जेड से डिवाइड करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। बस आप इतना ट्राई करो कि सारी जो यूनिट है ना, जैसे कि डेंसिटी की यूनिट अगर आप सेंटीमीटर में लिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब, तो ये ए की वैल्यू भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए जो कि है। तो एम की वैल्यू कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो रो की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये रहा 2.8, सबको एज इट इज लिखो, देखो 2.8 साथ में लिखो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, सॉरी -3 लिख दिया, यूनिट के साथ लिखोगे तो अच्छा रहेगा। और इनटू एन ए का वैल्यू क्या है आपके पास, ये रहा 6.022 इंटू 10^23 मोल इनवर्स, लिखो यूनिट के साथ लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर आप ए क्यूब की वैल्यू लिखो, देखो वो रही वो कितनी है, देखो यहां पर लिखता हूं, तो लिखा 4 × 10^-8, देखो ये सेंटीमीटर है तो इसका तो पहले आपको क्यूब लिखना है, फिर सेंटीमीटर का भी तुमने क्या किया क्यूब, क्योंकि उसकी क्यूब करी है तो ये तो सेंटीमीटर है, क्योंकि ए की क्यूब है ना तो उसकी यूनिट की भी क्यूब हो जाएगी, लिख दिया नीचे जेड का वैल्यू क्या है, ये एफसीसी पैकिंग है तो जेड की वैल्यू कितनी होती है 4, तो इसको 4 से डिवाइड करना है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर आप खुद ही देखो कि टोटल यूनिट लास्ट में कितनी निकल के आ रही है, ये सेंटीमीटर माइनस का 3 और सेंटीमीटर 3 कट गया आपस में, अब यूनिट क्या निकल के आ रही है जरा देखो, ये रहा ग्राम और ये क्या है पर मोल, तो एम की वैल्यू ग्राम पर मोल में आ रही है, समझ में आ गया। सो एम की वैल्यू आपको यूनिट भी दे रही है, दैट इज ग्राम पर मोल, इसका मतलब आप सही से कैलकुलेट कर रहे हो, इज इट क्लियर। और फिर आपको क्या करना है, ये 2.8 ये नंबर आपसे मल्टीप्लाई करने हैं, खत्म कहानी। सो दिस इज हाउ टू यू हैव टू सॉल्व इट, इज दिस क्लियर। किस किस ने यहां पर पूरे के पूरे 2 मार्क बनाए, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, किस किस ने यहां पर पूरे के पूरे 2 मार्क बनाए वो खुश हो जाएगा, एकदम खुश होने का। यह सबको समझ में आ गया, दिस इज हाउ यू हैव टू सोल्व। यहां पर 2 चीजें हैं, एक तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए जन्म जन्म जन्म, दूसरा आप ट्राई करो कि इसके अंदर जो डेंसिटी है वो भी सेंटीमीटर में गिवन हो और यूनिट उसकी, और ए की यूनिट भी सेंटीमीटर में गिवन हो, तब जाके काम आपका आसानी से बन जाएगा, डेटा रखना और कुछ नहीं, नहीं है तो उसको कन्वर्ट कर लो, समझ में आ गया। बस इतना ध्यान रखोगे काम हो जाएगा। चलिए तो फाइनली आपको मैं आंसर दिखा देता हूं, बहुत ही बढ़िया, एंड दिस इज द आंसर। आपको गिवन क्या है, ये देखो ये आपका डेटा गिवन था, आपसे सिर्फ एम की वैल्यू पूछी थी और आपको सिर्फ एम की वैल्यू ही निकालनी थी, एम का ये फॉर्मूला है, आपको बता दिया कैसे निकालना है, उसके बाद ये वैल्यू रखी है एंड फाइनली आंसर आपके सामने है, दैट इज 26.98 ग्राम पर मोल, और इन्हें भी यूनिट रखी है। देखो यूनिट रखने से क्या होगा, आपको असली यूनिट आ जाएगी जो आपको लिखनी है, आंसर के बाद आपको यूनिट भी लिखनी पड़ेगी, ऐसे तो काम नहीं बनेगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ, अब 3 सवाल 3-3 मार्क के आएंगे, ध्यान से इसको पढ़िएगा। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, तैयार हो क्या 3 मार्क के क्वेश्चंस के लिए, अब देखते हैं हम लोग 3 मार्क के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये देखिए 2011 में सवाल पूछा, 3 मार्क का क्वेश्चन था, ठीक है 3 मार्क का क्वेश्चन था, 2011 का सवाल था, क्या पूछा गया, एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन अ क्यूबिक क्लोज पैकिंग सीसीपी पैकिंग, रेडियस दे रखी है आपको 125 पिकोमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल, लेंथ कितनी होगी, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन 1 cm³। सेकंड क्वेश्चन जो है ना वो काफी अच्छा है, पहला सवाल तो आसान है, ठीक है तो सेकंड क्वेश्चन इज रियली गुड, बट सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको फर्स्ट क्वेश्चन से मिलेगा, पहले तो आपसे पूछा यूनिट सेल का एज लेंथ कितना है, समझ में आया, उसी से आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, बहुत बढ़िया सवाल है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, तो जरा ध्यान से इसको समझना कैसे आंसर आपको निकालना है, तो जरा देखो। और ऐसे सवाल आपके नीट में आते हैं, कई बच्चे सोचते हैं, कई लोगों में भ्रांतियां पैदा कर रखी हैं कि नीट में तो मंगल ग्रह से सवाल आएंगे और बोर्ड एग्जाम में तो इजी आते हैं, ऐसे ही सवाल आते हैं और कई बार तो इससे भी आसान होते हैं, आपका बोर्ड का पेपर ज़्यादा हार्ड होता है, पता तुम्हें, कई बार बोर्ड का पेपर हार्ड होता है और नीट का पेपर ईजी होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ, कई लोगों ने नीट को हवा बना के रखा है जबकि कुछ नहीं है, आप बिलीव करो अगर आप बोर्ड का बहुत अच्छा कर रहे हो ना तो आप नीट में बहुत अच्छा कर जाओगे। इसका एग्जाम्पल है आकांक्षा खुद, लास्ट ईयर में आकांक्षा ने आपको पता है 2 घंटे के अंदर अंदर नीट के पेपर को खत्म कर दिया था, और उससे कभी पूछना तुमने बोर्ड के पेपर को कितनी देर में खत्म किया था, उसको बोर्ड का पेपर करने में, ध्यान से सुनना, हर बार बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स के बोर्ड के पेपर करने में उसको 2.5 से 3 घंटे के बीच में लगे, लेकिन उसने नीट का पेपर 2 घंटे के अंदर अंदर खत्म कर दिया था। तो आप अंदाजा लगाओ कि जो लोग हवा बनाते हैं नीट को, बेटा बोर्ड के एग्जाम ज्यादा हार्ड होते हैं आजकल, तो समझ में आया,
हमारे चुन्नू मुन्नू बच्चों के लिए खुशखबरी, नीट का एग्जाम है हमारे चुन्नू मुन्नू बच्चों के लिए, ऐसे किया तो देखो मेरी तरफ से कर दो तुम, ऐसे क्या करोगे, हमारे चुन्नू मुन्नू बच्चों के लिए खुशखबरी, नीट का एग्जाम आसान होता है, सच बता रहा हूँ, पूछ लो आकांक्षा दीदी से जाके पूछो, बोला अरविंद सर ऐसे कह रहे थे, आप सच सच बताओ, किसी भी टॉपर से जाके पूछ लो बता देगा, है ना। सो किस किस को ये खुशखबरी अच्छी लगी, उसके बाद मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। ऐसे अब मैं तो तुम्हारे कंप्यूटर से निकल के, लैपटॉप से निकल के, मोबाइल से निकल के ऐसे तो कर नहीं सकता हूँ यूँ करके, तो मैं अब जैसे बस तुम अपना हाथ लो ऐसे समझो, अरविंद सर ने पकड़ा ऐसे गाल ऐसे पकड़ा, मेरे चुन्नू मुन्नू बच्चे के लिए खुशखबरी। अरे एक बात होता जो छोटे बच्चे होते हैं ना, पता है इतने क्यूट के होते हैं, और स्पेशली वो गोलगप्पे जैसे छोटे बच्चे होते हैं, रसगुल्ले जैसे छोटे बच्चे देखे आपने, उनके गाल एकदम ऐसे मोटे मोटे से होते हैं, वो तो इतने प्यारे लगते हैं ना। आप कभी बच्चे देखना जो बच्चा गोल बटोल सा एकदम गुब्दू सा होगा, गुब्दू समझते हो, गाल निकले होंगे, पक्का आपका मन करेगा उसके गाल को खींचने का ऐसे करके, ने ने ने, उसको बड़ा गुस्सा आता है, बड़ा आपको मजा आता है नहीं। सो मेरे गुपचू गुपचू से प्यारे से बच्चों, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तो चलो अब मैं इसका आंसर देता हूँ, जरा ध्यान से देखो इसको कैसे सोल्व करोगे। दैट्स वेरी इजी। सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग दे रखी है, सीसीपी। तो सीसीपी और एफसीसी में कोई फर्क नहीं होता, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। इन दैट केस 4R किसके बराबर होता है, रूट टू ए के, चाहे सीसीपी पैकिंग हो चाहे एफसीसी पैकिंग हो, समझ में आ गया, सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं है। अब आपको निकालना क्या है, ए की वैल्यू निकालनी है। ए कैसे निकालोगे, 4R बाई रूट टू निकाल लो। ये पहले सवाल का जवाब है। R की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, किधर गया बे, बोरा 125 पिकोमीटर, तो 4 × 125, ठीक है, ये पिकोमीटर है। चाहो तो उसको देखो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो ज्यादा ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम दे रखा है वो आपको सेंटीमीटर में दे रखा है। तो एक पिकोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10⁻¹, पिकोमीटर मतलब 12 होता है, 10⁻¹, तो इसको कन्वर्ट कर लो, 10⁻¹। आर की वैल्यू को पिकोमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, सो दिस इज सेंटीमीटर। अब आंसर जो आएगा बेट तुम्हारा ए का, वो सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। ये तो पता है ना, पीको मतलब 12 होता है, मतलब माइनस का 12, उसको माइनस के 10 अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो माइनस के 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो माइनस का 2 बचेगा। समझ में आ गया सब लोगों को। सो 4 × 125 × 10⁻¹, अब सेंटीमीटर में हो गया, तभी तो 10⁻¹। सबको समझ में आ गया ना ये कैसे किया, इज दिस क्लियर, कि मैंने 10⁻¹ से मल्टीप्लाई क्यों किया। अब आपके पास ए का वैल्यू आ गया विच इज इन सेंटीमीटर। अब मैंने सेंटीमीटर में क्यों निकाला पता है, आपसे आगे क्या पूछ रहा है, ये क्या है, ये एक यूनिट सेल का एज लेंथ है। समझ में आया, एज लेंथ है ये एक यूनिट सेल का। तो एक यूनिट सेल का अगर ये एज लेंथ है तो बताओ वन यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना हुआ, दैट इज ए क्यूब। तो जो भी आपको ऊपर दे रखा है उसकी क्यूब करोगे जो कि सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। समझ में आ गया, तो एक यूनिट सेल की वॉल्यूम कितनी है, इस ये जो भी आ रहा है डेटा उसकी क्या करोगे, क्यूब। समझ में आ गया। अब आओ सेकंड क्वेश्चन की तरफ, कहता है हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर इन 1 cm³। तो आपको ये सवाल पूछ रहा है कि अगर आपके पास वॉल्यूम हो 1 cm³ तो उसमें यूनिट सेल कितनी होंगी। तो आप जरा सोचो, दिमाग लगाओ, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम ये है, समझ में आ गया, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। तो आपसे सवाल पूछा गया कि 1 cm³ अगर आपके पास स्पेस हो तो उसमें कितने यूनिट सेल होंगे। तो आपको क्या करना है, टोटल स्पेस 1 cm³ को यूनिट सेल की एक वॉल्यूम से भाग दे दो। समझ में आ गया, क्योंकि एक यूनिट सेल इतना वॉल्यूम घेरती है, खत्म हो गया कहानी। तो बेसिकली आपको क्या करना है, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा, टोटल, दिमाग लगाओ, टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, ठीक है, इन 1 cm³ कैसे निकालोगे, वो कैसे निकालोगे, विच इज टोटल वॉल्यूम 1 / वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, ये दे रखा आपको, इसी का क्यूब करना था इस डेटा का। मैं मान लेता हूं कि ये टोटल डेटा निकल के आ रहा है वो एक्स मान लेते हैं, तो एक्स की क्यूब करनी है आपको, नीचे से उसको डिवाइड कर देना है, यहां एक्स की क्यूब कर दोगे तो ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आ जाएंगी। आया समझ में, ध्यान से सुनो, एक यूनिट सेल का इतना वॉल्यूम है। आपसे पूछा कि आप बताओ कि अगर एक यूनिट सेल इतना वॉल्यूम घेरती है तो 1 cm³ में कितने यूनिट सेल्स होंगे, यही सवाल पूछा आपसे, ठीक है। तो अब आपको रियल एक्चुअल आंसर की तरफ लेके चलता हूं।
किस किस को ये समझ में आ गया एक ही बारी में, नहीं समझ में आया तो दो बार एक बार और समझा देता हूं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो तो इसका आंसर बताता हूं कैसे निकलेगा, वैसे मैंने बता दिया है, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले तो सीसीपी हो चाहे एचसीपी पैकिंग हो, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम ही रहेगा, एंड दैट इज ए इक्वल्स टू 2√2R, मतलब ये वही फॉर्मूला है, उसने बस कान अलग से पकड़े, 354 पिकोमीटर आएगा, पर ये पिकोमीटर है और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है पहले आपको। तो देखो यहां पर 354 पिकोमीटर को कन्वर्ट कर लिया, ये आपके पास 354 पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 10⁻⁸ क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर डेसिमल ले लिया उसने। आप इसको यू भी लिख सकते थे, घबराओ मत, आप इसको यू भी लिख सकते थे, 354 इंटू 10⁻⁰ सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, समझ में आ गया। यही मैंने किया था, इसने क्या किया, 354 नहीं लिखा है, 3.54 लिखा हुआ है, गौर से देखो, समझ में आ गया। तो दोनों में फर्क है जो इसने सोल्व किया है, जो अपन नहीं किया वो भी सही है, गलत नहीं है। तो आप ये कर लोगे 354 इंटू 10⁻⁰ सेंटीमीटर क्यूब। अब आगे देखो, इसी की ये आपकी ए की वैल्यू है, ए की क्यूब करो, क्यों किया, क्योंकि आप यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना चाहते हो कि एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, तो उसकी क्यूब करोगे, तो इसने आपने इस डेटा का क्यूब किया, तो ये आ गया। अब आप देखो, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालनी है तो क्या करोगे, टोटल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है उसमें यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, आपको टोटल नंबर ऑफ यूनिट मिल जाएंगी। तो ओवरऑल आंसर देखो, आपको दिया हुआ था 1 cm³, दिखाई दे रहा है, पीछे चलना पड़ेगा, कहां गया मेरा रिमोट। सो अब ध्यान से इसको देखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इतना दिया हुआ था, और ये किसका वॉल्यूम है, ये है आपका यूनिट सेल का वॉल्यूम, डिवाइड कर दो, यही हमने किया था एक्स क्यूब से, याद है। तो ये आंसर आएगा आपका, दिस इज हाउ यू हैव टू सोल्व इट। और जो बच्चे ईमानदार हैं, जिनको थोड़ी बहुत मैथ अच्छे से आती है, दे कैन सोल्व दिस वेरी इजीली, पर बहुत अच्छा सवाल था, एंड दिस इज माई फेवरेट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली 2016 का सवाल है, क्या पूछा गया है, जरा आप देखो, दिल्ली 2016 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 मार्क का है, पूछता है एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी लैटिस, इज लेंथ दे रखी है 800 पिकोमीटर, डेंसिटी ऑफ द सेल इज 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 300 ग्राम्स ऑफ एलिमेंट। ये सवाल पूछा गया आपसे, समझ में आया, तो मैं आपको समझाता हूं डिटेल में। एन एलिमेंट क्रिस्टलाइज इन बीसीसी, बीसीसी का मतलब क्या हो गया, जरा बताओ मुझे, कैसे सोल्व करोगे, आपको यहां पर क्या दे रखा है, जरा देखो, आप सारे डेटा को ध्यान से लिख लोगे तो वैसे आपको पता लग जाएगा, बीसीसी दे रखा है तो आपको बताओ जेड की वैल्यू कितनी होगी, 2, पहली चीज तो ये। फिर आपको क्या देखा है, एज लेंथ दे रखी है ए पिकोमीटर के अंदर, कितनी है 500 पिकोमीटर, उसको बदल लो, 500 × 10⁻¹⁰ सेंटीमीटर में ले लो उसको, बेटर ये है। डेंसिटी, क्योंकि ये भी डेंसिटी आपको सेंटीमीटर में दे रखी है, डेंसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। पूछता हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट 300 ग्राम्स ऑफ द एलिमेंट, सबसे पहले तो आप 300 ग्राम को तो भूल जाओ, सवाल ये है कि जब आपको डेटा दे रखा है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर एम की वैल्यू निकालोगे, समझ में आया, आपको ए दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, जेड दे रखा है, तो आपसे एम ही तो पूछा है, मोलर मास ही तो पूछ रहा है वो, और अगर आपने मोलर मास निकाल लिया तो आप नंबर ऑफ एटम निकाल लोगे, कैसे पता, आपको याद है मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स कैसे निकालते हैं बताओ मुझे, मोल्स कैसे निकाले, नंबर ऑफ एटम कैसे निकाले जाते हैं, पढ़े हो के, आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, गिवन मास बाई मोलर मास, है ना, फॉर्मूले पढ़े हो नंबर ऑफ मोल्स का, क्या क्या पढ़े हो, गिवन मास बाई मोलर मास, नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाई एवोगैड्रोस नंबर, पढ़े हो ना तुम लोग। तो अब आपको देखो यहां पर ये दोनों बराबर होते हैं, आपको W की वैल्यू पता है, ये रही 300 ग्राम्स, मोलर मास तुम यहां से निकाल ही रहे हो, अब आपको N की वैल्यू निकालनी है, N की वैल्यू तुम्हें आती है, ये फॉर्मूला यूज करके आप निकाल लोगे। अब सवाल है कि M कैसे निकलेगा, तो उसके लिए डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, जनम 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 साथ चलना यूं ही, इससे आप m का वैल्यू निकाल लो, तो m का वैल्यू कैसे निकलेगा, डेंसिटी इंटू एवोगैड्रोस नंबर इंटू a क्यूब डिवाइडेड बाय z, सारी वैल्यूज तो हैं तुम्हारे पास, डेंसिटी की वैल्यू ये रही, n की वैल्यू तुम्हें पता ही है कांस्टेंट है, a क्यूब की वैल्यू ये रही, a की क्यूब करनी है, z की वैल्यू तुम्हारे पास 2 है, ऐसे करके m की वैल्यू निकाल लोगे। जब m निकल जाएगा तो w की वैल्यू कितनी रखी है, 300 ग्राम्स डिवाइड बाय m की वैल्यू तुम यहां से निकालोगे ग्राम पर मोल, जो भी निकलेगी यहां से वो रखोगे वहां पर, n की वैल्यू तुम्हें पहले से पता है तो आपको n की वैल्यू निकालनी है, यही निकालना है आपको,
नंबर ऑफ आइटम्स, दिस इज द क्वेश्चन ओनली। आया समझ में? 300 ग्राम को मोलर मास से डिवाइड करोगे, मोलर मास की वैल्यू यहां से निकलेगी, ये रही मोलर मास की वैल्यू निकल रही है, और एवोगैड्रो नंबर साथ में दे रखा है, एन की वैल्यू निकालनी है। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको फिर से दिखाता हूं जिसको समझ में नहीं आया, बहुत अच्छे सवाल है और ये आपको करने हैं बैठ के घर पे। ठीक है, तो जरा देखो, आपको एज लेंथ दे रखी है, ध्यान से देखना डेटा क्या दिया हुआ, 500 पिकोमीटर कन्वर्ट करो, 500 × 10⁻¹ सेंटीमीटर। ठीक है, पहली चीज हो गई, सब लोगों को समझ में आ गई, समझ में आ गई, हाँ है ना, मैं जवाब देते रहना। मास ऑफ सब्सटेंस 300 ग्राम, ये मास है, Z की वैल्यू BCC के लिए 2 होती है, डेंसिटी आपको दे रखी है, तो यहां से आप जब फॉर्मूला लगाओगे तो M की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। समझ में आया? M की वैल्यू कैसे निकालोगे? डेंसिटी, ये एवोगैड्रो नंबर, A क्यूब, Z सारी वैल्यू रख देना। मैं आपसे कहता हूं आप कैलकुलेट मत करो, NA को NA ही रख देना, क्योंकि पता क्यों? क्योंकि आगे जाके जब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स निकालोगे वहां पर भी NA, NA से NA कैंसिल हो जाएगा। बेटर नॉट टू पुट दी वैल्यू एंड नॉट टू कैलकुलेट इट। मैं आपकी जगह होता तो मैं एनी की वैल्यू रख के कैलकुलेशन नहीं करता, मैं एनी को एनी रखता, क्योंकि आगे जाके एनी कट जाएगा। आया समझ में? फाइनली एम की वैल्यू निकल गई, अब आप क्या करोगे? उसके बाद कुछ नहीं है। जब आपके पास एम की वैल्यू निकल चुकी है, नंबर ऑफ एटम कैसे निकालोगे? एवोगैड्रोस नंबर गिवन मास डिवाइड बाय एम, ये आंसर इस तरह से निकलना। ये कहां से आया पता है? ये फॉर्मूला अभी निकाला था तुम लोगों, कौन सा? आप लोग याद करो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते थे, That is given mass by molar mass, या फिर कैसे निकालते थे? Number of atom divided by Avogadro's number. तो तुम्हें n की value निकालनी है, तो given mass into Avogadro number, ठीक है, और divided by molar mass. तब आप देखो, ये आपको Avogadro number दे रखा है, na की value, ये mass दे रखा है, और ये molar mass दे रखा है, वही same formula है, और यहां से number of atom निकल रहे हैं, वो इतना है। ये वही formula है जो कि आप 11th standard में पहली क्लास में पढ़ते हो। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? दिल्ली 2018 का आखिरी सवाल है, क्या पूछा गया है? पॉइंट इफेक्ट क्या होता है और उसको डिस्क्राइब करो। पॉइंट इफेक्ट का मतलब क्या होता है? जब कोई एटम अपनी जगह से खिसक जाता है तो उसे डिफेक्ट कहते हैं, और एटम के खिसकने को पॉइंट इफेक्ट कहते हैं। पॉइंट इफेक्ट कितने तरह के होते हैं? पॉइंट इफेक्ट 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? ये देखो, जब पॉइंट इफेक्ट का मतलब आर इररेगुलरिटी एंड डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट, That is called point effect. और ये 4 तरह के होते हैं, वैकेंसी, इंटरस्टीशियल, फ्रेंकल एंड शॉटकी। अब इनके एग्जाम्पल आप लोगों को देख के आने हैं, ठीक है? स्पेशली जो 2 शुरू के होते हैं वो एटम्स के अंदर होते हैं, ये आयंस के अंदर होते हैं, जानते हो? यस, तो यही लिख के आना है आपको। आखिरी सवाल तो बेहद आसान था। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है? कोई इंटरस्टीशियली अपनी जगह छोड़ के शिफ्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रेंकल डिफेक्ट।